गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 10 बजने वाले होंगे, क्योंकि 9:30 बजे मैं नहाने गई थी और अभी देखा नहीं मैंने घड़ी। 10 बजने वाले होंगे और मैं नहा कर आज सुबह सुबह फ्री हो गई हूँ। और पीहू को देखिए कहाँ है पीहू। तो पीहू के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। हम तो खाएंगे रोटी सब्जी। और पीहू का आज डिमांड है क्योंकि छुट्टी चल रही है, विंटर वेकेशन है, तो कुछ स्पेशल खाना ही है। तो बस बनाऊंगी मैं मैक्रोनी। और पीहू देखो इतनी मतलब ठंडी है कि रजाई से कंबल से निकलने का मन नहीं होता है। तो ये देखिए पीहू सो रही है। पीहू गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग, अरे गुड मॉर्निंग। अभी पीहू का ब्रेकफास्ट बनकर आएगा। ओके तो बस पीहू को अभी जा रही, पहले मैं इसके लिए प्रिपेयर कर लूँ ब्रेकफास्ट और पूजा कर लूँ और अपना रोटी सब्जी, फिर लाती हूँ और फिर मिलते हैं। ओके तो ये देखिए, ये मैं नीचे आ गई और पूजा कर रही हूँ। और जो ये वीडियो है 2020 का लास्ट वीडियो है, जो कि अपलोड होगा 2021 के आने पे, फर्स्ट डे पे। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। और भगवान करे इस साल सबको जो खुशियाँ चाहते हैं सबको वो मिले। इस पीहू के लिए बन रहा है तो कुछ भी नहीं डला है, सिर्फ सॉस वगैरह डले हैं, जीरा से तड़का लगा दिया है। धनिया पत्ती भी मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि पीहू नहीं खाएगी, तो ये सिर्फ पीहू के लिए है। मैं अपने लिए रोटी बनाई हूँ, रोटी सब्जी। तो चलिए ब्रेकफास्ट का प्लेट जो है रेडी करती हूँ। सो गाइस, ये देखिए ये पीहू की मैक्रोनी, एकदम प्लेन सिंपल मैक्रोनी ताकि पीहू खा सके। और मेरा है ये गोभी आलू गाजर की सब्जी और रोटी। तो ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। मैं किचन में आ गई हूँ और कढ़ाई जिसमें मैंने बनाया था मैक्रोनी उसी में ही मैं अभी दिन के लिए क्या बनाऊँ, तो आलू की सूखी सब्जी बना ले रही हूँ पीहू और अपने लिए। और रोटी बनाना है पराठा, जो भी पीहू खाएगी। आजकल वैसे पीहू पराठा कम खा रही है, उसे रोटी ज्यादा पसंद आ रही है, अच्छे से घी लगाकर तो रोटी ज्यादा प्रेफर कर रही है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो पराठे का हैबिट जो है बहुत ज्यादा था पीहू को, तो अब रोटी थोड़ा खा रही है तो वो अच्छा है, थोड़ा हेल्दी होता है रोटी। पराठा मैं थोड़ा सा लगता था कि कैसे छोड़ेगी कैसे छोड़ेगी, बट फाइनली अब धीरे धीरे पराठा कम कर रही है। तो चलिए मैं सूखे आलू बना लेती हूँ, कुछ नहीं डालूंगी, जीरा से तड़का लगा रही हूँ, जीरा और हरी मिर्च से तड़का। और इसमें बस धनिया पाउडर है, अमचूर पाउडर और ये सारी चीजें जो डालते हैं, बस सिंपल आलू की सब्जी बन रही है सूखी सूखी। तो चलिए बना लेती हूँ मैं। तो ये देखिए तेल गरम हो गया है और बस आलू तो मैंने कट कर कर रख लिया था, तीन आलू बॉईल किए थे मैंने, तीन आलू ही काटा है बस। और थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ और हरी मिर्च मैं डायरेक्ट काट लेती हूँ, जब ऐसा रहता है ना शॉर्टकट, सीधे कढ़ाई पे ही काट लिया जाता है बस। और आलू डाल देना है और हल्दी डाल देना है और फिर थोड़ी देर में मैं सारे पीसे हुए मसाले जो होते हैं सूखे मसाले को थोड़ी देर में डालूंगी। तो ये देखिए हल्दी डाल दिया मैंने, हल्दी डालने के बाद और डाल रही हूँ आलू और इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी। वैसे आलू बॉईल ऐसे ज्यादा टाइम लगना नहीं है, थोड़ा सा बनाना था मुझे पीहू और अपने लिए, तो बस फटाफट बन जाएगा। अब इसमें डाल रही हूँ जरा सा नमक, थोड़े ही डालना है नमक और धनिया पाउडर का पाउच मैंने अभी पैकेट जो है खोल कर अभी भरा नहीं है, यहीं पड़ा हुआ था मेरा, तो अभी मैं इसको यहीं से डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद किचन समेटने से पहले मुझे ये सब भरना होगा, ये सब भरने का काम करना है। ये देखिए जरा सा धनिया पाउडर डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो जरा सा डालना है। मैंने गोल मिर्च पाउडर भी डाल दिया पर उस समय कैमरा ऑफ हो गया था पता नहीं कैसे। और अब ये डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ा खटास आ जाता है ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और सूखे आलू इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छे चटपटे सूखे आलू। और बस अब ये इसे पकने देना है और लास्ट में आप चाहो तो धनिया डाल लो, बहुत टेस्टी लगता है तो ऐसे। ये देखिए सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, और इस रूम में कपड़ों का पूरा पहाड़ लगा हुआ था तो मुझे फोल्ड भी करना था।
और जल्दी जल्दी फोल्ड कर कर फिर बाकी काम भी निपटाने थे। और सही में काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ठंड में वैसे भी दिन कैसे ख़त्म हो जाते हैं वो नहीं पता चलता है। गाइस अभी खाने का टाइम तो हो रहा है, 1:30 बज रहे हैं, पर पीहू को थोड़ा सा ये मैक्रोनी बचा था मैंने टिफिन में डाल कर रख दिया था, बट उसने देख लिया कि मैक्रोनी बचा है तो पहले बोल रही है मैं रोटी नहीं खाऊंगी, पहले मैक्रोनी खिलाओ। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, तवे में ही गर्म कर रही हूँ क्योंकि इसमें सब्जी बन गई है, तो मैं तवे में ही गर्म करूंगी और साथ में पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा है कि ठंडा पानी नहीं पी सकते। तो पानी को गर्म कर कर बॉटल में डालकर लेके जाऊंगी पीहू के लिए और फिर उसके बाद रोटी बनाऊंगी। सब्जी जो है मेरी बन गई है, थोड़ा तेल जो है ना थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने इस तरीके से कर कर रख दिया साइड में ताकि जो तेल होगा ना थोड़ा नीचे आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होती है। फिर इसी कढ़ाई में इवनिंग में मेरा जो है सब्जी बन जाएगा, तो अभी तो थोड़ा ही सा सब्जी बनाया था तो इसी कढ़ाई में सब्जी बन जाएगी इवनिंग की मेरी। तो बस अब मैं पीहू को खिला रही हूँ मैक्रोनी, उसके बाद देखती हूँ वो रोटी खाएगी कि क्या खाएगी, तो अभी ये काम कर लेती हूँ। ये पीहू पीहू के पास लेकर आई हूँ, है ना पीहू, लो खाओ। पीहू खा रही है। ये देखिए ये है मेरा सूखा आलू, मस्त मसाले वाला, मैंने धनिया नहीं डाला है। और ये है पीहू की रोटी, एक मेरी रोटी है और ये है पेठा। तो अभी मेरा हाथ देखिए आटा बनाकर मतलब आटा ही लगा हुआ है, धोने जा रही थी, मैंने बोला पहले वीडियो बना देती हूँ और आपको अपना खाना दिखा दूँ। तो गाइज ये है मेरा खाना, और जब हस्बैंड नहीं होते हैं ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि हम कुछ भी जुगाड़ वाला खाना खा लेते हैं, और स्पेशली मैं ना पीहू के हिसाब का जो खाना बनता है ना वो मैं खा लेती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि मुझे स्पाइसी चाहिए मसाले वाला, जो पीहू खाती है ना मैं वही खाना बनाती हूँ और साथ में एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि वो उसके साथ साथ मैं भी खा लूँ, और एक्स्ट्रा मैं अपने लिए नहीं करती हूँ। तो बस अब मैं खाने जा रही हूँ। और आप भी ऐसा करते हो क्या, जब हस्बैंड ना हो तो बच्चे के हिसाब का जो खाना होता है वो आप भी खा लेते हो? मैं ऐसा करती हूँ, कमेंट्स कर कर बताना कौन कौन और ऐसा करता है। मैं तो अंदर आ गई, पीहू अभी भी बाहर है, और इतना देर धूप में बैठने के बाद ना मन कर रहा है थोड़ा देर लेट जाए कंबल में रजाई में घुसकर। तो मैं थोड़ा देर जा रही हूँ आराम करने, और आराम करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा सो जाते हैं, और बिस्तर तो रेडी है ऑलरेडी मेरा कंबल। ठंड में ऐसा हो रहा है कि मेरा कंबल फोल्ड ही नहीं होता है, रजाई में फोल्ड कर कर रख देती हूँ उस रूम में, बट कंबल हमेशा खुला ही रहता है, कभी पीहू बैठ जाती है कभी मैं बैठ जाती हूँ, तो कंबल फोल्ड ही नहीं हो रहा है हमारा। जब जब मर्जी आए तब घुस जाओ कंबल में, ये हाल है। तो चलिए अब मैं फटाफट कंबल में घुस जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट जो लेडीजों को ठंड में अक्सर जो प्रॉब्लम होती है जो क्रैक्स की प्रॉब्लम, एंटी क्रैक हील से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छा है, मैं लास्ट ईयर भी यूज की थी और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और उस वीडियो को आपने बहुत पसंद भी किया था। तो आज मैंने, ये कोई भी ऐसा प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बोला चलो शेयर करती हूँ, हो सकता है किसी को हेल्प मिल जाए। तो ये जो है एंटी क्रैकिल, देखिए आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा होता है। ये जो है आपके जितने भी मतलब प्रॉब्लम होते हैं क्रैक्स रिलेटेड, ये आपके पैरों को बहुत अच्छा बना देता है विद इन 1 वीक। मैं इसे अभी फिर से निकाली हूँ, रीयूज कर रही हूँ, और इसे ये इजी वॉशेबल भी है, तो मैं इसे वॉश कर कर दोबारा यूज कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने यूज किया था और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, 1 वीक में मेरा जो क्रैक्स का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। ठंड में अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो क्रैक जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, भयंकर हो जाता है, दर्द बढ़ जाता है, तो ठंड की तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसलिए अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ जो कि मैं पर्सनल यूज कर रही हूँ। ये एंटी क्रैक हील कोई भी ऑनलाइन साइट में आप जाकर सर्च करोगे ना तो इजीली आपको मिल जाएगा और बहुत इजी होता है। इसे आप रात को सोने से पहले पहन लीजिए और बहुत अच्छा सिलिकॉन हो, ये जो प्रोडक्ट है ये सिलिकॉन का है, तो ये क्या होता है आपके पैरों में है ना एकदम मतलब नमी बनी रहती है, सॉफ्ट हो जाता है और आपके देखिएगा क्रैक्स धीरे धीरे भरने लग जाते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे कई बार यूज किया है ठंड में, लास्ट ईयर भी, और अभी फिर यूज करूंगी। आज निकाला है मैंने, इस बार फिर मैं यूज करने वाली हूँ।
और उम्मीद करती हूँ आप भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इसे एक बार यूज कर जरूर देखेंगे। यूज कर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, और अगर कोई यूज कर रहा है तो भी मुझे बताइएगा। रिजल्ट वाकई में इसका बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया ताकि, क्योंकि देखिए मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो कुछ अच्छी चीजें अगर शेयर करती हूँ तो किसी का भला हो जाता है, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए, मैंने आपके साथ ये छोटा सा प्रोडक्ट का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, रिव्यू नहीं बोलूंगी, एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर भी मैंने इससे शेयर किया था और इस साल भी मैं फिर से यूज करने वाली हूँ। और फिर मैं बताऊंगी, विद इन 1 वीक, मुझे सिर्फ 1 वीक का टाइम चाहिए रहता है, फिर सारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। और अभी मैं सारे काम निपटाने वाली हूँ, इवनिंग के काम क्या होते हैं, डिनर वाले, तो वो काम करने वाली हूँ। गाइस, ये देखिए खाना हमारा रेडी हो गया है। पानी गर्म करके, ठंड इतनी है कि पानी गर्म करके भी पिया जा सकता है, ठंडा पानी नहीं पी सकते, तो पीहू भी आ गई है। तो और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पुलाव, तो आइए आपको दिखाती हूँ। अभी अभी बस चूल्हा से जो सटी है ओवर हुआ, और पुलाव अभी मिक्स करते हैं। पुलाव बन गया है, गाजर और शिमला मिर्च वाली पुलाव है, आप देख सकते हो। और हम आज इसलिए एग बना लिए ना, क्योंकि थर्सडे है कल, 31st को, और 1 तारीख को हम इस बार नॉनवेज नहीं खाने वाले, इस बार हम वेज खाने वाले हैं 1 तारीख को। तो मंदिर वगैरह भी जाएंगे, हो सकता है। तो और ये देखिए, आपको दिखाती हूँ एग करी। तो ये देखिए एग करी, यम्मी एग करी भी रेडी हो गया है। तो बस आज का स्पेशल, 31st से पहले ही हम खा ले रहे हैं आज, नॉनवेज अगर खाना है तो आज ही खा ले रहे हैं हम, और फिर खाएंगे 1 तारीख के बाद भले, पर कल और 1 तारीख को नहीं खाएंगे। तो चलिए अभी हमें ज्वाइन कर लीजिए, क्यों भी हो तो अभी आ जाइए हमारे साथ खाने, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर जरूर जाइएगा। और वीडियो को एंड करती हूँ मैं यहीं, गुड नाइट बाय। सो फ्रेंड्स, सोने से पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर।